हेलो स्टूडेंट्स, आखिर 2 साल की तैयारी के बाद में नीट का एग्जाम देने का वो दिन एक सप्ताह बाद आपके जीवन में आ ही गया है जो 12 सितंबर को है। मैं क्यों कहता हूँ कि 2 साल तैयारी, मुझे कहना चाहिए 14 साल तैयारी के बाद एक सपना आपने देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है और उस डॉक्टर बनने के लिए MBBS में जाने के लिए अब आपके और 12 सितंबर के बीच में केवल आखिरी सप्ताह बचा है। और मान सकते हैं ये आखिरी सप्ताह, मैं मानता हूं आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीक होगा, क्योंकि आपके जीवन में तो बहुत सारे सप्ताह आए होंगे, वीक आए होंगे, हर मंथ में 4 वीक आए हैं, लेकिन ये वीक थोड़ा स्पेशल है। और जब ये वीक स्पेशल है तो इस वीक को स्पेशल वीक की तरह आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी सक्सेस रेट आगे बहुत अच्छी जा पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे नहीं मालूम है जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप किस लेवल के हैं, आपका तैयारी का क्या मोड था, क्या तरीका था, लेकिन इतना मुझे मालूम है कुछ लोग इस सपने को 2 साल से पाले हुए हैं, 11th और 12th, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और वो 2 महीने का ये टाइम मिला है और उसके बाद में एग्जाम दे रहे हैं। कुछ लोग 2 साल 11th 12th में बायोलॉजी के साथ मेडिकल का सपना पालने के बाद में ड्रॉप उन्होंने किया है, दे आर ड्रॉपर्स, और वो इस एग्जाम को दे रहे हैं। और कुछ लोग जो पिछले साल MBA ये नीट का एग्जाम दे चुके थे लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, अच्छे परसेंटेज नहीं थे, इसलिए वो इस बार इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो कोई भी हो, लेकिन सबके लिए लास्ट वीक तो लास्ट वीक है, ये तो अकेला वही वीक है, सबके लिए कॉमन है, तो इस वीक की प्लानिंग सबके लिए कॉमन ही होगी। और वो प्लानिंग जो होगी वो ये कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, वेरी फर्स्ट, बहुत खुश रहना है, चिंता फिकर भूल जानी है। आज जन्माष्टमी है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि श्री कृष्ण ने, जिनका आज जन्म हुआ है, एक ही बात कही थी कि कर्म किए जा, फल की चिंता में इंसान को नहीं खोना चाहिए, फल उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, वो आपको देगा, लेकिन आप ईमानदारी के साथ अपना काम करिए। तो मेरा पूरा यकीन है कि अगर आपने ईमानदारी के साथ, दिल की इच्छा के साथ, मम्मी पापा और रिलेटिव्स की दुआओं के साथ में अगर आपने इस एग्जाम की बड़ी तैयारी की है तो आप कर्म करिए, आप फल की चिंता भूल जाइए, फल अच्छा ही होगा ये मान के चलिए। तो सबसे पहली बात मैंने कहा है कि पॉजिटिव, नंबर 2 आपने कर्म किया है उसमें विश्वास रखिए, फल की चर्चा मत करिए, न डिस्कस करिए कितने कट ऑफ होती है, कितने बच्चों के क्या आते हैं, क्या होता है, ये अभी टाइम नहीं है कुछ भी। थर्ड, कुछ भी नया मत करिए, कुछ भी नया मत देखिए, कुछ भी नया मत लिखिए, जो आपने किया है उस काम को रिवीजन, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, और कुछ नया नहीं करना है, केवल रिवाइज करना है। इस लास्ट वीक में केवल एक मॉक टेस्ट, केवल एक मॉक टेस्ट, नॉट मोर देन 1 मॉक टेस्ट, और वो भी ऑफलाइन पेन पेपर मोड में, वो भी ऑफलाइन पेन पेपर मोड में, सिर्फ एक आखिरी मॉक टेस्ट और कुछ भी नहीं, और उसी 3 घंटे के माहौल में करना है, नथिंग मोर। इस लास्ट वीक में भरपूर 6 घंटे की नींद, मैंने पहले ही कहा था 15 दिन की प्लानिंग में, भरपूर 6 घंटे की नींद आपकी आनी चाहिए, क्योंकि तभी जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में सारा आपके जमेगा और तब आप एग्जाम में अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो पूरा के पूरा 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, नो जंक फूड, बिल्कुल नहीं जंक फूड, केवल घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ आशीर्वाद वाला खाना, जिसमें आशीर्वाद प्यार दुआएं होती है, वही खाना और कुछ नहीं। लिक्विड भरपूर, पानी भरपूर, जूस भरपूर, लेकिन लिक्विड, क्लियर।
और जरा सा भी अनईजी लग रहा है आपको, कुछ हो रहा है, तो बिना विदाउट एनी कंफ्यूजन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। क्लियर? ये लास्ट वीक की प्लानिंग है, और इस लास्ट वीक में आपके पास खुला मैदान है, अब गेंद आपके पाले में, जिधर लात मारनी है उतनी मारिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़िए इस समय में, कुछ भी आपको अदरवाइज कोई भी अन्य गारंटी या कोई भी चीजें मैं ऐसी नहीं कहूंगा जिससे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप ये सोचिए कि मैं 12 साल तक एक किसी अच्छे तरीके को अपनाकर और मैंने हर एग्जाम को क्रैक करके और अब ये नीट का एग्जाम देने आया हूं, तो वही तरीके वही फंडे लास्ट वीक वाले जो आपके अच्छे हैं उसको लगाइए। पूरी पूरी शुभकामनाएं इस अंतिम सप्ताह के लिए आपको, और जम के बिना डर के एग्जाम दीजिए। मैंने हमेशा आपसे कहा है, हारा वो है जो लड़ा नहीं है, जो लड़ा है वो हारा नहीं है। लड़िए, बिल्कुल नहीं हारेंगे। ऑल द बेस्ट।